कई गैंगस्टरों की संपत्ति पुलिस प्रशासन ने की कुर्क। जनपद मीलीभीत के कोतवाली पूरनपुर क्षेत्र के गांव शेरपुर कला के रहने वाले इकबाल उर्फ चूहा मोहम्मद उमर व असलम पर गौवंशीय पशुओं के वध के सहित कई अन्य मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने तीनों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्यवाही की। पिछले कई दिनों से चकमा देकर फरार चल रहे हैं। कई बार नोटिस देने के बाद भी जवाब नहीं दिया। जहाँ पर पीलीभीत डीएम ने आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया। शेरपुर कला में जाकर पूरनपुर एसडीएम व नायब तहसीलदार व क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर अपनी फोर्स के साथ पहुंचे और जहां पर आरोपियों के 3 आवासीय प्लॉट व 1 मकान कुर्क कर दिया। आरोपी की कुर्क की गई संपत्ति की कीमत लगभग 23,10,693 रुपए थी। पूरनपुर में क्राइम नंबर 1/24 गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें आज 26/2024 को प्रभावी कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश गृह बंद अधिनियम एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 14(1) के तहत अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को कुर्क किया गया। यह संपत्ति अभियुक्त इकबाल उर्फ चूहा मोहम्मद उमर तथा असलम की थी, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 23 लाख रुपए के आसपास है। इस संपत्ति में 3 मकान एवं 1 प्लॉट सम्मिलित है। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हाँ, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका आरओआई 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।